जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, तीन राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की। इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है, इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। This is just complete nonsense. आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां। स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड, हिंदुस्तान की सरकार कह रही है नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे, वहां पे मतलब लाशों की ढेर लग गई थी। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है ये सच्चाई नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कहते हैं नहीं। पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। आई अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, द मोर आई रेज पीपल्स इश्यूज, द मोर आई टेल द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा,
महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे, यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है, ये बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं, जो उन्होंने वायदे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए उससे डरते हैं, महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं, 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया। डर है ही नहीं, मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं, डर किस चीज से? डरना डर नहीं। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कह दिया, मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं, तो जितना भी ये मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे मुझे फायदा होता है। I get great joy when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो ideas हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है। मुझे battlefield जो है, वो और समझ आती है। लड़ाई क्यों हो रही है, मुझे वो समझ आता है। और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। कांग्रेस पार्टी को नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, एंड देर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू दिस। यू विल सी दे आर गोइंग टू बी डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज टू दिस, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट जस्ट गोइंग टू कीप क्वाइट। किसका नहीं जवाब है? मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का आरोप है कि महंगाई सिर्फ बहाना है, क्योंकि आपसे और मिसेस गांधी से इतनी क्वेश्चनिंग करनी, इसलिए आप लोग इतना बड़ा हुआ। नहीं नहीं, क्वेश्चन ऑल यू वांट, राइट? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग देयर, एवरीबॉडी नोज इट, सो क्वेश्चन ऑल यू वांट। माय जॉब इज टू रेजिस्ट द आइडिया ऑफ द आरएसएस, दैट्स माय जॉब, एंड आई एम गोइंग टू डू इट। द मोर आई डू इट, the more I will be attacked, the harder I will be attacked. I am happy.
अटैक में। देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, सीधी सी बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो आज हालत है उसके बारे में है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। मैंने आपको बोला डर नहीं है, वो डराने की कोशिश करें करते जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखिए ये एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है, जान दी है मेरे परिवार ने। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है।